नमस्कार, जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पत्ते की चटनी। सचमुच ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इसके बेनिफिट हैं। तो इसे आप जानते हो कि मीठा नीम तो बोला ही जाता है, तो इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं कि गिनाए नहीं जा सकते। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, गैस एसिडिटी जैसी समस्याएं हमें कभी भी नहीं होती, और ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। अगर हम इसके 10-15 पत्ते रोज़ खाते हैं तो ये हमारी बालों की जो ग्रोथ है उसे भी बढ़ाने में मदद करता है, और इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन पाए जाते हैं, और इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आप देख सकते हो कि ये मैं इस प्रकार से इसकी डंडी को अलग कर रही हूँ। मैंने अपने घर में ही कड़ी पत्ता को लगाया हुआ है। रोज़ कड़ी पत्ता खाने से हमारी आँखों की जो रोशनी है वो तेज होती है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। रात को कभी भी कड़ी पत्ता नहीं खाना चाहिए। देख सकते हो कि मैंने पत्ते तोड़ के इसे मैंने पानी में धो लेना है। एक दो बार पानी से इसे धोऊंगी। आप देख सकते हो कि पानी जो है बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मैं जो अपने कड़ी पत्ता मैंने लगाया हुआ है तो उसको मैं हर रोज़ पानी के स्प्रे करती हूँ और उसे साफ़ करती हूँ कि इसके ऊपर कोई डस्ट ना जमे। तो अब मैंने एक किचन टॉवल ली है, उसके ऊपर मैंने डाल देने हैं कड़ी पत्ते के पत्ते। तो इसे अच्छे से इस प्रकार से पोंछ देना है ताकि इसके ऊपर पानी ना रहे, और इसे अच्छे से पोंछ के बाद में इसे फ़ैन के नीचे 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा वो सूख जाएगा। इसका पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। तो अब मैंने गैस के ऊपर एक पैन रख लिया है, उसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच सरसों के ऑयल के। आप चाहो तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन सरसों के ऑयल में ये कड़ी पत्ते की चटनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब मैंने इसे अच्छे से पका लिया ताकि सरसों के तेल की जो तेज़ गंध है वो निकल जाए। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कितना अच्छा धुआँ आ रहा है। तो ये अब तेल अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें मैंने 20 डाल दिए हैं लहसुन की कलियाँ। गैस की फ्लेम को मैंने लो पे ऊपर कर दिया है। तो मैंने इसमें 50 ग्राम डाल दिए हैं पीनट्स। पीनट्स डालने से ये जो चटनी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसे हमने अच्छे से हिला के गैस की फ्लेम को लो के ऊपर ही रखा हुआ है, अच्छे से पका लेना। तो अब लहसुन और पीनट्स को साइड पे करके डाल दिया है ये मैंने सूखा धनिया। तो इसे अच्छे से हम इसका कलर चेंज होने तक इसे पका लेंगे हल्का सा। तो अब इसमें डाल दिए हैं मैंने 10 ग्राम तिल। तिल के भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, और 10 ग्राम तिल डाल के इसे अच्छे से हमने पका लेना, और सारे जो सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लेना। अब इसमें डाल दिए हैं 10 ग्राम ही चने की दाल, अब इसे भी अच्छे से पका लेना। अब इसमें मैंने 20 डाल दी थी लाल मिर्ची। अब मैंने सारे कड़ी पत्ते इसमें डाल दिए हैं। आप देख सकते हो इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप सभी चीज़ों को बाहर निकाल के फिर से मस्टर्ड डाल के आप कड़ी पत्ते को अलग से आप इसे थोड़ा सा आप रोस्ट कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर से अलग से मस्टर्ड डाल के आप इसे रोस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, और ग्राइंड करने के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा। इसलिए इसी तरह से आप पकाओगे तो बहुत ही ज़्यादा इसने क्रंची हो जाना है। तो इसे हम 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, और ये अब ठंडा हो चुका है तो मिक्सी जार में डाल के हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा फाइन पाउडर ये बनके तैयार हुआ है। इसे अब हमने एक बाउल में निकाल के उसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाला है, और इसे अच्छे से हमने कर लिया है मिक्स। आप जब भी पूरी बनाओ, पराठा बनाओ, तो उसमें आप अगर आधा चम्मच ये डालते हो ना इस मिक्सचर का, तो आप सच मानोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। सब्जी बनाओ उसमें डालो, चावल में डालो, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है इससे। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसे कांच के कंटेनर में स्टोर कर लिया है। तो आप भी अगर इसे बनाते हो तो आप इसे गर्मियों में 2 महीने के लिए बाहर आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। कोशिश कीजिए आप कांच के कंटेनर में इसे रखें। अगर आप फ्रिज में रख सकते हो तो आप इसे
1-1.5 साल के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। आप इस गुणों से भरपूर मिक्सचर को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।